हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक आज इस वीडियो में हम क्लास फोर साइंस का चैप्टर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स करेंगे इस चैप्टर का हर एक कंसेप्ट मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आप क्लास फोर साइंस का कोई और चैप्टर समझना चाहते हैं तो हमारे लर्निंग नोटबुक चैनल पर जरूर जाए हमने वहाँ क्लास फोर साइंस का क्लास फोर मैथ्स का और क्लास फोर इंग्लिश ग्रामर का भी पूरा सिलेबस कवर करा हुआ है और अगर आप हमसे कोई वीडियो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स को अभी ज्वाइन करें सो लेट्स सी व्हाट ऑल टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर टुडे इन दिस वीडियो आर फर्स्ट टॉपिक विल बी पार्ट्स ऑफ अ प्लांट उसके बाद हम सीखेंगे द रूट सिस्टम जिसमें होते हैं टैप रूट सिस्टम फाइब्रस रूट सिस्टम और फिर हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ द रूट देन वी विल मूव टू द शूट सिस्टम एंड फंक्शन ऑफ द स्टेम फंक्शन ऑफ द लीफ अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा फंक्शन ऑफ द फ्लावर फंक्शन ऑफ द फ्रूट फंक्शन ऑफ द सीड्स और आखिरी में स्टूडेंट्स मैं आपके साथ करूंगी इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो लेट स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक विच इज पार्ट ऑफ अ प्लांट तो हम देखते हैं कि प्लांट्स के कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं ये देखिए ये एक प्लांट है अब इसके मेन पार्ट्स क्या क्या हैं? ये होती है रूट्स यानी जिसे हम कहते हैं जड़ें जो जमीन के नीचे होती हैं रूट्स फिर ये देखिए ये क्या है ये पूरी आपको यहाँ पे ये दिख रहा है ना ग्रीन पोर्शन इसको कहेंगे स्टेम ये प्लांट की स्टेम होती है फिर हम देखते हैं ये ब्रांचेस को स्टेम से निकलती हैं ये ब्रांचेस नेक्स्ट पार्ट है प्लांट का लीव्स लीव्स यानी पत्ते देन वी हैव फ्लावर्स ये होते हैं प्लांट्स के फ्लावर और आखिरी में एक और पार्ट है जिसे हम कहेंगे फ्रूट्स तो ये सभी पार्ट्स हैं प्लांट्स के अब स्टूडेंट्स जो प्लांट्स होते हैं दे हैव टू मेन सिस्टम कौन कौन से मेन सिस्टम होते हैं अब वो देखते हैं पहला होता है शूट सिस्टम और दूसरा होता है रूट सिस्टम तो शूट सिस्टम क्या होता है वो पार्ट्स प्लांट के जो जमीन से ऊपर होते हैं वो पार्ट्स कहलाते हैं पार्ट ऑफ शूट सिस्टम तो कौन कौन से पार्ट आ गए इसमें शूट सिस्टम में इसमें इस आ गई स्टेम ब्रांचेस फ्लावर्स लीव्स एंड फ्रूट्स ठीक है तो ये सभी फॉर्म करते हैं शूट सिस्टम को अब रूट सिस्टम में क्या होता है वो सब पार्ट्स जो जमीन के नीचे होते हैं और वो कौन सा पार्ट होता है वो होती हैं रूट्स ठीक है तो याद रखिए प्लांट्स हैव टू मेन सिस्टम्स शूट सिस्टम सिस्टम। एंड रूट सबसे पहले आइए हम पढ़ते हैं रूट सिस्टम के बारे रूट सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे ग्रो बिलो द ग्राउंड तो स्टूडेंट्स जो रूट सिस्टम होता है वो बहुत ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट के चाहे वो जमीन के नीचे उगता है चाहे वो हमें दिखाई नहीं देता पर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट्स का तो देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रूट्स रूट्स जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं कौन कौन सी एक तो होती है टैप रूट्स और एक होती है फाइबरस रूट्स सो लेट्स अंडरस्टैंड ईच ऑफ देम वन बाय वन फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट टैप रूट्स टैप हैव अ मेन रूट तो स्टूडेंट्स टैप रूट में क्या होता है उसमें एक मेन रूट होती है जिसे प्राइमरी रूट भी कहते हैं जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं इस पिक्चर में देख सकते हैं ये देखिए ये दिख रही है आपको ब्राउन कलर की रूट तो ये एक मेन रूट है जिसे प्राइमरी रूट भी कहते हैं और ये नीचे की तरफ ग्रो हो रही है वाइल ग्रोइंग डाउन वर्ड इट गिवस आउट ब्रांचेस ऑन ऑल द साइड तो इसमें से मेन रूट में से बहुत सारी ब्रांचेस निकली आती है जैसे कि देख सकते हैं ये सभी क्या है मेन रूट की ब्रांचेस है राइट तो ये जो ब्रांचेस होती है इनको क्या कहते हैं द स्मॉल रूट दैट ब्रांच आउट फ्रॉम द प्राइमरी रूट आर कॉल्ड सेकेंडरी रूट इन ब्रांचेस को यानी इन छोटी छोटी रूट्स को क्या कहते हैं इन्हें कहते हैं सेकेंडरी रूट्स। प्राइमरी रूट इज क्वाइट बट सेकेंडरी रूट्स थिनर। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं जो ये प्राइमरी रूट है ये बहुत मोटी है थिक है पर जो सेकेंडरी रूट्स है ये कंपेरेटिवली पतली पतली है तो यही मैंने यहां लिखा है दैट प्राइमरी रूट इज क्वाइट थिक बट सेकेंडरी रूट्स आर थिनर और ये कौन कौन से प्लांट्स में पाई जाती हैं ये टैप रूट्स जैसे कि पी प्लांट में जो मटर का प्लांट होता है उसमें पाई जाती हैं मैंगो ट्री में भी होती हैं और नीम ट्री में भी इन सभी में टैप रूट्स होती हैं ठीक है ठीके? अब नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट होती हैं फाइब्रस रूट्स फाइब्रस रूट्स डू नॉट अ मेन रूट अब जो ये रूट्स होती हैं, इनकी कोई मेन रूट नहीं होती जैसे कि इस पिक्चर में मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये रूट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई मेन रूट नहीं है टैप रूट टैप रूट में हमने देखा ना एक मेन रूट होती है पर फाइब्रस रूट में ऐसा नहीं है इट हैज मेनी थिन फाइबर लाइक ऑफ सिमिलर साइज विच आर कॉल्ड एज फाइब्रस रूट तो मेन रूट की बजाय उसके पास क्या होता है इनके पास होती हैं बहुत सारी एक जैसी पतली पतली फाइबर जैसी रूट्स, जैसे कि इधर देख रहे हैं हम यहाँ पे ये सारी एक जैसी रूट्स हैं, पतली पतली ठीक है तो अब एग्जाम्पल्स क्या है कहां आपको देखने को मिलती है फाइब्रस रूट्स? वीट के पौधे में ग्रास में मेज में मिलेट यानी बाजरा में इन सभी के पास होती है फाइबरस रूट जैसे कि स्टूडेंट्स कॉमनली अगर आप ग्रास जो हमारे पार्क वगैरह में जो ग्रास ग्रो होती है अगर आप उसको थोड़ी सी उखाड़ के छूट के देखेंगे तो जो जड़े नीचे से निकलेंगी वो ये होंगी फाइबरस रूट्स होंगी कोई मेन रूट नहीं होगा बल्कि पतली पतली जड़े रूट्स एक जैसी पतली पतली जड़े निकलती हैं ठीक है तो ये होती हैं दो टाइप की रूट्स टैप रूट्स एंड फाइबरस रूट्स अब हम सीखेंगे इन रूट्स की फंक्शन क्या होती है The roots of the plant perform many important functions. So students, अब हम सीख रहे हैं कि जो roots होती हैं, इनका क्या-क्या काम होता है? ठीक है, ये बहुत important functions perform करती हैं। कौन-कौन सी? वो देखते हैं। पहली function, roots fix the plants firmly to the ground. They prevent the plant from being pulled out easily. तो so, सबसे important function एक तो roots की होती है कि वो plant को Uh, में पकड़ कर रखती है उसको उखड़ने नहीं देती आसानी से चाहे अगर आपने भी कभी देखा होगा अगर आप अपने घर में तुम्हारे प्लांट्स uh, है आपके घर में आप किसी प्लांट को जो सूख गया आप उसको निकालना चाह रहे हैं तो जो आपको दम लगाना पड़ता है क्यों क्योंकि जो रूट्स हैं उन्होंने उस प्लांट को पकड़ा हुआ है ठीक है तो रूट्स की एक ये फंक्शन है दैट दे फिक्स द प्लांट्स फर्मली टू द ग्राउंड नेक्स्ट फंक्शन रूट्स हेल्प इन एब्सॉर्बिंग वॉटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉयल रूट्स की दूसरी फंक्शन है कि वो हेल्प करती है सोयल में से पानी और मिनरल्स एब्सॉर्ब करने पर कर। एब्सॉर्ब करती है और फिर वो इनको ट्रांसपोर्ट भी करती है प्लांट्स के पार्ट्स डिफरेंट पार्ट्स को वो ट्रांसपोर्ट करती है पानी भी और मिनरल्स भी जो वो एब्सॉर्ब करती है सॉइल से नेक्स्ट फंक्शन इज दैट इन समूट हेल्प इन स्टोरिंग फूड जिसे कहेंगे हम स्टोरेज रूट ठीक है फॉर एग्जाम्पल कैरेट रेडिश बीट रूट स्वीट पोटैटो तो कुछ प्लांट्स में स्टूडेंट्स जो रूट्स होती है वो हेल्प करती हैं फूड को स्टोर करने में ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जैसे कि कैरेट यानी गाजर के प्लांट में हमने देखा है जो गाजर होती है मूली है गाजर है चुकंदर है ये सब Soil के नीचे ग्रो होते हैं क्या होती है नीचे नीचे होती है रूट्स तो रूट्स हेल्प इन स्टोरिंग दीज फूड ठीक है अब नेक्स्ट फंक्शन क्या है रूट root की रूट्स बाइंड द सॉइल टूगेदर एंड दस प्रिवेंट सॉइल इरोजन तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि रूट्स प्लांट को पकड़कर रखती है वो एक तरह से सॉइल को भी पकड़कर रखती है और उससे क्या होता है कि सॉयल इरोजन नहीं होता यानी जो सॉइल की फर्टाइल लेयर होती है वो तेज हवा या ज्यादा पानी से uh, बह नहीं जाती तो रूट्स दे बाइंड द रूट टुगेदर एंड दस प्रिवेंट सॉयल इरोजन एंड लास्ट फंक्शन ऑफ द रूट्स इज दैट इन केस ऑफ बैनियन स्पेशल रूट्स विच आर नोन एज एरियल रूट ग्रो फ्रॉम बिग ब्रांचेस टू सपोर्ट हैवी ब्रांचेस स्टूडेंट्स अगर आपने कभी बैनियन ट्री देखा है तो आपने देखा होगा वो कितना ट्री होता है उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो कितनी बड़ी-बड़ी और मोटी मोटी ब्रांचेस होती हैं तो उन ब्रांचेस को सपोर्ट करने के लिए मैनियन ट्री में स्पेशल रूट्स होती हैं जो जिन्हें कहा जाता है एरियल रूट्स क्यों कहते हैं उनको एरियल रूट्स क्योंकि वो जमीन के ऊपर होती हैं तो ये जो रूट्स होती हैं वो ब्रांचेस से नीचे की तरफ आती हैं वो सपोर्ट करती हैं उन हेवी ब्रांचेस को तो एक ये भी फंक्शन होती है रूट की बैनियन uh, ट्री के केस ठीक है तो ये सभी फंक्शंस हैं रूट की इस तरह से हमने ये पूरा पढ़ लिया है रूट सिस्टम अब हम बात करेंगे शूट सिस्टम की द शूट सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज अबव द ग्राउंड तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि शूट सिस्टम वो पार्ट है प्लांट का जो ग्राउंड से जमीन से ऊपर ग्रो होते हैं तो क्या क्या चीजें हैं जो ऊपर ग्रो होती हैं इट कंसिस्ट ऑफ स्टेम ब्रांचेस लीव्स बर्ड्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ये सभी पार्ट्स हैं प्लांट के जो जमीन से ऊपर ग्रो होते हैं तो ये फॉर्म करते हैं शूट सिस्टम को अब स्टूडेंट्स इन सभी पार्ट्स के बारे में इनकी फंक्शंस के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे First, let's understand functions of the stem. The stem of the plant performs many important functions. तो so, जो stem होती है, वो भी बहुत important role play करती है. क्या-क्या functions हैं उसकी? It carries water and minerals from roots to the leaves. तो so, पहली important function है plants की कि roots से वो water और mineral लेती है और उसको पहुँचाती है leaves तक. ठीक है नेक्स्ट फंक्शन है दैट इट ऑल्सो कैरीज फूड प्रिपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो जो आ, जो हमारी लीव्स होती हैं वो जो खाना बनाती हैं फूड बनाती हैं वो इन्हें उस फूड को ये स्टेम कैरी करती हैं और प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाती है देन इन सम प्लांट्स स्टेम्स हेल्प इन स्टोरिंग फूड कुछ प्लांट्स में स्टूडेंट्स जो स्टेम्स होती हैं वो फूड को स्टोर करती हैं। जैसे कि हमने रूट्स में पढ़ा था कि कुछ प्लांट्स में रूट्स फूड स्टोर करती हैं ऐसे ही कुछ प्लांट्स में स्टेम्स भी फूड स्टोर करती हैं कौन कौन से प्लांट्स हैं वो ऐसे जैसे कि है अनियन पटेटो जिंजर स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स ग्रो बिलो द ग्राउंड दी स्टेम्स आर कॉल्ड अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम इन प्लांट्स में जो स्टेम होती है वो ग्राउंड के नीचे उगती है नीचे ग्रो होती है और इस केस में ऐसी स्टेम्स को कहा जाता है अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ये जो प्लांट्स है ना आपको ये पता होने चाहिए कि ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं जिनमें स्टेम अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम कहलाती है या जिसमें फूड स्टोर होता है ठीक है तो एग्जांपल्स आपको जरूर पता होने चाहिए अनियन पोटैटो एंड जिंजर अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ द लीफ द लीफ ऑफ द प्लांट परफॉर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। तो जो प्लांट्स की लीव होती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। सबसे पहला उनका इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट लीव प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी लीव जो होती हैं वो प्लांट के लिए खाना बनाती हैं। कौन से प्रोसेस की हेल्प से फोटोसिंथेसिस नाम है उस प्रोसेस का जिसमें लीव्स खाना बनाती हैं प्लांट के लिए दे प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वॉटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए उनको क्या क्या चाहिए लीव्स को चाहिए होता है सनलाइट वॉटर और कार्बन डाइऑक्साइड जब ये तीनों चीजें अवेलेबल होंगी जब ही वो खाना बना पाएंगे ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होती है लीव्स की दैट प्लांट देयर फॉर लीव इज ऑल्सो नोन एज किचन और फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट इसी वजह से लीव्स को किचन या फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लीव्स आर दैट लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक लेटस स्पिनच मिंट एंड कोरिएंडर आर एडिबल ऐसे स्टूडेंट्स कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स एडिबल होती हैं। एडिबल यानी जिन्हें खाया जा सकता खाने वाली होती हैं, वो खा सकते हैं हमको जैसे कि आपने देखा होगा लेटस सैलेड वगैरह में ये लेटस की लीव यूज होती है फिर है स्पिनिच स्पिनिच यानी पालक देन मिंट मिंट यानी पुदीना और फिर कोरिएंडर यानी धनिया धनिया की चटनी बनाते हैं हम तो ये लीव्स जो होती हैं ये सब एडिबल होती है. तो ये है फंक्शन ऑफ द लीफ नेक्स्ट वी विल लर्न फंक्शन ऑफ द फ्लावर फ्लावर इज द मोस्ट कलरफुल एंड ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द प्लांट जैसे कि हम सब जानते हैं जो फ्लावर्स होते हैं बहुत ही कलरफुल होते हैं और बहुत ही सुंदर होते हैं तो ये एक ऐसा पार्ट है प्लांट का जो बहुत ही कलरफुल और ब्यूटिफुल होता है अब क्या फंक्शन होती है फ्लावर्स की मेन फंक्शन ऑफ to प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स तो जो मेन फंक्शन है flower की वो है कि वो fruits प्रोड्यूस करें और सीड्स भी इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि जो flower होता है वो किस में चेंज होता है वो धीरे धीरे फ्रूट में चेंज होता है और फ्रूट के अंदर क्या होता है Fruit के अंदर होता है सीड्स और seeds से क्या होता है दे दी सीड्स दे ग्रोइंग टू न्यू प्लांट राइट तो ये मेन फंक्शन है flower की टू प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड क्स्ट सम फ्लाराइक कॉलीफ्लाते हैं, हैं जिन्हें हम खा सकते हैं जैसे कि कॉलीफ्लावर गोभी जिसको हम कहते हैं और ब्रॉकली ये जो होते हैं फ्लास ये स्टोर फूड करते हैं राइट और हम इनको खा सकते हैं अब और भी कुछ चीजें हैं जो हमें फ्लास से मिलती है जैसे कि सेवन जिसे हम हिंदी में केसर कहते हैं इट इज ऑब्टेन फ्रॉम क्रॉकस फ्लावर क्रॉकस फ्लावर है उससे हमें ये केसर मिलता है एंड देन क्लोव्स क्लोव्स आर ड्राइड फ्लावर बड्स आपकी मम्मी के किचन में क्लोव्स भी होंगी जिसे हिंदी में लौंग कहते हैं तो ये जो लौंग होती है ये भी फ्लावर से ही मिलती है उनकी बर्ड से मिलती है ठीक है तो ये सभी हैं फंक्शंस ऑफ द फ्लावर नाउ स्टूडेंट्स वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ फ्लाइप एक होते हैं फ्लॉरिंग प्लांट यानी जैसे कि रोज जैसमिन लोटस ट्यूलिप सनफ्लावर ये सभी कहलाएंगे फ्लावरिंग प्लांट्स ठीक है इनमें फ्लावर्स ग्रो होते हैं पर कुछ नॉन फ्लॉरिंग प्लांट्स भी होते हैं फॉर एग्जाम्पल मशरूम मॉस एल्गे They they do not bear any flower and hence they are called as non-flowering plants. ये जो plants होते हैं इनमें कोई flower grow नहीं होता तो इन्हें कहते हैं non-flowering plant. ठीक है तो फ्लाव के बेसिस पे दो टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं फ्लॉरिंग प्लांट्स जिनमें फ्लास्क ग्रो होते हैं और नॉन फ्लॉरिंग प्लांट्स जिनमें फ्लास्क ग्रो नहीं होते नेक्स्ट टॉपिक इज functions ऑफ द फ्रूट्स अ फ्रूट इज द स्वीट एंड फ्लेश प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट दैट हैज सीड्स इनसाइड। फॉर एग्जांपल मैंगो एप्पल एंड बनाना अब जो फ्रूट है वो क्या है बहुत ही स्वीट यानी मीठा प्रोडक्ट है प्लांट का जिसके अंदर क्या होता है उसके अंदर होती है सीड्स राइट अब फ्रूट्स के तो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं मैंने कुछ यहां लिखे हैं जैसे कि मैंगो एप्पल और बनाना फ्रूट इज टू स्प्रेड दीड्स एंड अलाउ द्ला सबसे बड़ी मेन फंक्शन जो फ्रूट की है वो है कि वो सीड्स को स्प्रेड करने में हेल्प करता है और प्लांट को न्यू प्लांट को ग्रो करने में रिप्रोड्यूस यानी न्यू प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है स्टूडेंट्स ये कैसे है इसका मतलब ये हुआ अगर सोचिए फ्रूट ना हो तो जो सीड्स है फ्रूट के अंदर जो सीड्स है वो कैसे इधर उधर जाएंगी हम लोग फ्रूट खाते हैं चाहे हम हो एनिमल्स हो बर्ड्स हो हम लोग फ्रूट खाते हैं और सीड्स इधर उधर ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं और उन न्यू सीड से उन सीड से न्यू प्लांट्स बनते हैं रिप्रोड्यूस यानी जब न्यू प्लांट ग्रो होते हैं तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है फ्रूट्स की और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहूंगी दैट वेजिटेबल्स लाइक टोमेटो एंड ब्लेंजल आर एक्चुअली फ्रूट्स एज दे यूजुअली टमेटो और ब्रिंजल को वेजिटेबल्स मानते हैं पर एक्चुअली में वो क्या है वो फ्रूट्स हैं क्योंकि उस, उनके अंदर सीड्स होती हैं, ठीक है तो ये है फंक्शंस फ्रूट्स की अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ द सीड्स सम फ्रूट्स सच एज मैंगो स्टूडेंट्स हमने देखा है कि जैसे कि मैंगो होता है मैंगो के अंदर एक ही सीड होती है राइट right? जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं मैंगो के अंदर एक ही सीड है पर अगर हम पपाया, यानी पपीते को देखें तो उसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं ठीक है तो कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही सीड होती है और कुछ एक आदर फ्रूट होता है जिनमें बहुत सारी सीड्स होती है वेन सीड्स दे गेट प्रॉपर एयर वॉटर एंड वॉर्म दे ग्रो इन टू अ न्यू प्लांट शन जब इन सीड्स को प्रॉपर कंडीशन मिलती है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है प्रॉपर हवा पानी और टेम्परेचर वॉर्म यानी एक गर्म टेम्परेचर उनके हिसाब से जो अप्रोप्रियट टेम्परेचर होता है ये सब मिलता है तो ये सीड्स ग्रो होती है न्यू प्लांट और इसे कहा जाता है जर्मिनेशन तो यही फंक्शन है सीड्स की दैट द्रो इन टू अ न्यू प्लांट एंड सीड्स ऑफ सम प्लांट स्टोर फूड लाइक वीट मेज एंड राइस और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जो सीड्स होती है वो फूड स्टोर करती हैं जैसे कि वीट का प्लांट मेज का राइस का ये सभी ऐसे प्लांट्स है जिनमें सीड्स में फूड स्टोर हो रहा है तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर इसमें हमने खूब सारी फंक्शन पढ़ी हैं सभी पार्ट के बारे में अब आइए इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश कंटेन बेबी प्लांट इन देम इज इट लीव्स स्टेम्स सीड्स और रूट्स यस आंसर इज सीड्स सीड्स के अंदर होते हैं बेबी प्लांट नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश फोटोसिंथेसिस करते वक्त प्लांट्स क्या लेते हैं अपने अंदर ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन या नन ऑफ दीज आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड द फ्रूट विद मेनी सीड्स कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसमें बहुत सारी सीड्स होती हैं इज इट मैंगो ग्रेप्स पपाया और पेयर आंसर इज पपाया रूट्स विद मेन रूट एंड सेकेंडरी रूट इज कॉल्ड डैश उन रूट्स में जिसमें मेन रूट भी होती है और सेकेंडरी रूट भी होती है उन्हें क्या कहा जाता है उन्हें कहा जाता है टैप रूट्स। रूट्स ऑफ प्लांट विच स्टोर फूड ऐसे प्लांट का ऐसा कौन सा प्लांट है जिसकी रूट्स फूड को स्टोर करती है ये आंसर इज कैरेट एंड नेक्स्ट वन वी हैव डैश आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट कौन सा पार्ट है ऐसा प्लांट का जिसे फूड फैक्ट्री कहा जाता है जहां पे फूड बनता है कौन सा होता है वो यस लीव्स